आज है संडे, डेट है 10 मार्च। आज क्या है खास? ऐसे खास कुछ है नहीं, संडे है, छुट्टी। तो यार इवनिंग वॉक टहलना तो बनता है। और पैदल ही घूमना है तो क्यों ना ऐसे जगह जाया जाए जहाँ घूमने में भी मजा है। तो कांके डैम, शाम में टहलना पसंद करते हो तो काफी अच्छा जगह है। यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा होता है। बगल में डैम है, नीचे पार्क भी है और आपका ऊपर भी पार्क है, रॉक गार्डन। तो आप शाम में आ सकते हैं टहलने के लिए। यार अगर आप रांची में रहते हो और कांके डैम आपके घर से नज़दीक पड़ता है तो कांके डैम एक अच्छा जगह है घूमने के लिए। आपको टहलना पसंद है, शाम में घूमना पसंद है तो आप शाम में खाली का वक्त मतलब काफ़ी एकांत में आप गुजार सकते हैं। बस ऐसा ऑप्शन काफ़ी है यहाँ आने पर। आपको पार्क में बैठना पसंद है तो पार्क है दो दो। आप जो पीछे देख रहे हैं वो हिल पे रॉक गार्डन। आपको हाइट पे घूमना पसंद है तो आप रॉक गार्डन जा सकते हैं। और आपको नीचे से डैम का आनंद लेना है और सूरज डूबता हुआ देखना है तो नीचे है, अब नीचे और एक पार्क है वहाँ भी आ सकते हैं। तो टहलने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। और इस डैम की सबसे खास बात, एक तो ये शहर के बीच में स्थित है। कहने का मतलब जहाँ आप यहाँ से खड़ा होके जहाँ एक साइड आपको शहर मतलब एक और जहाँ शहर नज़र आने वाला है उस ठीक उसके दूसरी ओर मतलब आप डायरेक्ट गांव पहुँच जाएगा। मतलब जहाँ एक साइड डैम के एक साइड शहर है और दूसरी ओर गांव है तो यहाँ के आप दोनों का आनंद ले सकते हैं। और शाम का वक्त काटने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। और ऐसे भी जब आपको शहर और गांव का कम्बिनेशन एक जगह देखने को मिले तो और क्या चाहिए, जहां एक और शहर और दूसरी और गांव, और क्या चाहिए। और ऐसे ये काफ़ी सेफ जगह है, लोग आते जाते रहते हैं तो यहां वैसा आपराधिक घटना काफ़ी कम होता है तो आप टहलने आ सकते हैं।
हो आप इवनिंग वॉक के लिए आप बेस्ट प्लेस में से एक प्लेस बोल सकते हैं। ऐसा ही ये रास्ता गांव वालों के लिए स्पेशल बनाया गया है। अंधेरा होने को आया, आप निकलना चाहिए।